डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. स्वागत है आपका इस पास्ट थ्री ईयर पेपर एनालिसिस 2021, 20 एंड 2019 पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया. मुझे पता है कि कई मेरे स्टूडेंट इस वीडियो के लिए बहुत परेशान हैं, बहुत वेट कर रहे हैं. उन सब के लिए और जो भी एग्जाम दे रहे हैं और जिनके डीएससी के लिए, आपको पता है मैं डीएससी पेपर कवर नहीं कर पाता हूं, इट इज टू मेनी, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. लेकिन फिर भी मैं पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस जरूर करने की कोशिश करता हूं. उसके थ्रू बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो मैं बोल पाऊंगा जल्दी जल्दी, प्लीज आप कैच करें और उसको यूज करें. सो लेट अस बिगिन. यदि सिलेबस देखे पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, जो कि सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6 इन दोनों में पूछे जाते हैं डीएससी के फॉर्म में, तो इंट्रोडक्शन टू पब्लिक पॉलिसी तो एकदम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड थीम है, जिसपे मैंने कि तीन चार वीडियो बनाए हुए हैं. मैं आपको लिंक भी दूंगा आगे. द एनालिसिस ऑफ पॉलिसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ स्टेट, ये मैंने आपको ऐसे पढ़ाया नहीं है. आज थोड़ी बहुत मैं इस पर हम लोग बात करेंगे. पॉलिटिकल इकोनॉमी और पब्लिक पॉलिसी कैसे जुड़े हुए हैं, पर्टिकुलरली उस तरीके से जहां पे कि इंटरेस्ट ग्रुप और सोशल मूवमेंट पब्लिक पॉलिसी को कैसे इफेक्ट करते हैं. पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होती है, यहाँ पे चलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. देखिए, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी ही थी. जब एडम स्मिथ लिखते थे, रिकार्डो लिखते थे, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी ही थी. बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है, वो जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं उसका कैसे प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा होना चाहिए, यही तो है इकोनॉमिक्स. और ये जो बंटवारा होता है स्कार्स रिसोर्सेज का, वो तो पॉलिटिकल डिसीजन होता है, वो थोड़ी कोई इकोनॉमिक डिसीजन होता है. समाज में आप हैरोल्ड लैसवेल का याद कीजिए कि पॉलिटिक्स इज हु गेट्स व्हाट एंड हाउ, कौन को किसको क्या मिलता है. आप डेविड स्टर्न का याद कीजिए, इट इज ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, मतलब बेसिकली क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. रॉल का, एरिस्टोटल का, समाज में बंटवारा कैसे होना चाहिए जो स्कार्स रिसोर्स है. रिसोर्स मतलब कि इवन ऑफिशियल पद भी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ऑफिस, जो बड़े बड़े पोस्ट है वो भी जो है वो इसको रिसोर्सेज है. सम्मान वो कैसे मिलता है, ओनर रिवार्ड, और जो खाने पीने की चीजें, कपड़े लत्ते, इनकम वेल्थ, इसका डिस्ट्रीब्यूशन समाज में कैसे होना चाहिए, ये पूरा पूरा पॉलिटिकल डिसीजन है. तो यानी कि इकोनॉमी जो पॉलिटिक्स से डिसाइड होती है, और सारी की सारी इकोनॉमी पॉलिटिक्स से डिसाइड होती है, तो वो पॉलिटिकल इकोनॉमी कहलाती है. पब्लिक पॉलिसी का बहुत सारा हिस्सा जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी से होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इकोनॉमिक मुद्दे होते हैं. चाहे कोई भी आप पॉलिसी ले लीजिए, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी लीजिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लीजिए, या कोई भी वैक्सीन पॉलिसी लीजिए, सब में जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज आर इन्वॉल्व्ड. तो वो पॉलिटिकल इकोनॉमी है. और उसको पब्लिक पॉलिसी क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो दशा दिशा तय होती है वो पॉलिसी से तय होती है. आप देखिए डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी ने कैसे, और सब उससे भी अच्छा एग्जाम्पल है कैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के थीम पे आधारित थी, उसने कैसे पूरा आमूल चूल परिवर्तन कर दिया, मतलब ओवरहॉल चेंज कर दिया हमारे इकोनॉमी की दिशा को. जो नेहरूवियन इकोनॉमी से निकल करके हम बिल्कुल मार्केट इकोनॉमी की तरफ, न्यू लिबरल इकोनॉमी मॉडल की तरफ चले गए. तो ये जो है एग्जाम्पल है कि कैसे पॉलिसी और पॉलिटिकल इकोनॉमी जुड़े हुए हैं. तो उसको इंटरेस्ट और सोशल मूवमेंट कैसे इफेक्ट करते हैं, वो तो आगे हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे. मॉडल ऑफ पॉलिसी डिसीजन मेकिंग को आप ऐसे पढ़िए कि इट इज मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी या अप्रोचेस टू पब्लिक पॉलिसी. इस पे मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, वो एकदम सेल्फ सफिशिएंट है, आप उसको देख लीजिए. देन आइडियोलॉजी का पॉलिसी से बहुत गहरा नाता है. इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने पॉलिसी जो उनके आइडियोलॉजी से गाइडेड होता है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए पावर में आती हैं. यदि उनको कोई पूछे कि आप पावर में क्यों आना चाहते हो, तो क्योंकि हम अपनी पॉलिसी को लागू करना चाहते हैं. बीजेपी बोलेगी हमारी पॉलिसी ये है, हम उसको लागू करना चाहते हैं. कांग्रेस बोलेगी हमारी पॉलिसी ये है, जनता को जिसकी पॉलिसी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, क्योंकि उसी पॉलिसी से जनता का जो है जीवन, डे टू डे जो जीवन यापन हम जीते हैं, या लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म हम अपने गोल देखते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, कुछ इलाज करवाते हैं, हम कुछ मकान खरीदते हैं, सब जो है उस पॉलिसी से अफेक्टेड होती हैं. तो हम उन पॉलिसी को चुनते हैं जो हमें ज्यादा सूटेबल लगता है हमारे जीवन के लिए. और आइडियोलॉजी से पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिसी जो है वो गाइडेड होते हैं. तो आइडियोलॉजी और पॉलिसी जो है बिल्कुल मिला हुआ है. पॉलिसी जो है वो वैल्यू, पॉलिटिकल वैल्यू का प्रतिफल है. मतलब जैसा पॉलिटिकल वैल्यू होगा उसी तरह से आइडियोलॉजी होगी.
नेहरूवियन जो विजन थी वो उनके आइडियोलॉजी से गाइडेड थे। उस समय के जितने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लीजिए, प्लानिंग कमीशन को उन्होंने लाया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल लाया, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कराया, बड़े बड़े जो पब्लिक सेक्टर जो कमांडिंग हाइट ऑफ इकोनॉमी उन्होंने बनाया, पीएसयूज को उन्होंने ज्यादा तवज्जो दी, वो सारा उनका जो सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी था उससे वो गाइडेड था। और जब 1991 आते आते जब हमको लगा कि हम थक गए हैं, उस आइडियोलॉजी से जो पॉलिसी बन रही है वो अच्छी नहीं हमें ग्रोथ दे रही है, तो फिर हम लोगों ने उसको चेंज किया, ऑफ कोर्स आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के दबाव में, लेकिन किया नरसिम्हा राव के टाइम में जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और वो उसको ही अभी तक हम लोग अब जो है फॉलो कर रहे हैं। एक तरह से इंटीग्रेटेड है हम न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन की जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है उस पर हम लोग भी शामिल उस बैंड वैगन में हो चुके हैं। तो किस तरह से आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुई है हमारे पॉलिसी मेकिंग में पिछले 50-60 सालों में, ये भी हमें जो है समझना चाहिए, ये थीम आपको बताता है। अब यदि हम एग्जाम प्रेप स्ट्रेटजी देखिए कैसे प्रिपरेशन कर दो, जो मुझे समझ में आता है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मुझे बताया गया कि 19th को एग्जाम है, बहुत समय है, आप तो इसको दो बार प्रिपेयर कर सकते हैं इस बीच में। देखिए इसके लिए क्या कीजिए कि पब्लिक पॉलिसी वाली जो थीम है, दो थीम आपके इससे कवर हो जाते हैं मेरे चार लेक्चर से, एक तो मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक पॉलिसी क्या है, उसके लिए जो लिंक मैंने यहाँ सब दे दिए हैं, इसको सीधा आप यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं कॉपी पेस्ट करके भी। पब्लिक पॉलिसी के इंट्रोडक्शन में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो मैंने अप्रोचेज वर्ड यूज किया उसको आप मॉडल पढ़ लीजिए, और मॉडल या अप्रोचेज पब्लिक पॉलिसी के जो डिफरेंट है वो इस वीडियो में है, फिर इवेल्युएशन जो पब्लिक पॉलिसी के हैं वो इस वीडियो में है, और पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इंडिया जिसमें कि कुछ केस स्टडी भी मैंने जैसे कि मनरेगा शायद मैंने डिस्कस किया है, और भी जो आपको डिस्कस करना है अपने एग्जामिनेशन में तो वो भी यहाँ मिल जाएगा। तो समझिए कि आपको काफी सारे जो है दो तीन क्वेश्चन तो आप केवल इन चार वीडियो को बार 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 मैं तो सजेस्ट करूंगा कि 8-9 बार देखिए, पहली बार तो ठीक से देखिए, दूसरी बार बढ़ा बढ़ा के, तीसरी बार और बढ़ा बढ़ा के, लास्ट में तो ऐसा देखिए कि 4-5 मिनट में आपको वीडियो खत्म हो जाए। देन पॉलिसी एनालिसिस वाली जो थीम है ना, उसके लिए सबसे अच्छी मुझे लगा कि इग्नू की यूनिट 19 पढ़िए, इसका मैंने यहाँ लिंक दे दिया है, कॉपी पेस्ट करके आपको खुल जाएगी, आसान है, 10-12 पेज में है, बहुत आसानी से इसको भी 8-9 बार पढ़ लीजिए। फिर आप जो है ये वाली जो है कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ स्टेट, कैसे मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट वो पब्लिक पॉलिसी पॉलिसी एनालिसिस कैसे उससे जुड़ी हुई है, मतलब पॉलिसी एनालिसिस जो आप करते हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी ओवरऑल जो स्टेट, जिस स्टेट के अंदर वो पॉलिसी बन रही है वो किस आइडियोलॉजी पर बेस है। तो वो उसको पढ़ने के लिए मुझे नहीं लगता है कि और कोई उपाय है, आपको डीयू की जो रिकमेंडेड रीडिंग मटेरियल है वो आपको मिल जाती है, फोटोकॉपी आपको पता है, यदि है तो आप उसको पढ़ लीजिए, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक दो थीम को आप छोड़ दीजिए, आप पब्लिक पॉलिसी फॉलो फोकस कीजिए, उसके मॉडल्स पे कीजिए, उसको अप्रोचेज मैंने कहा है, पॉलिसी एनालिसिस जो यूनिट 19 में मिल जाती है, रोल ऑफ इंटरेस्ट और सिविल सोसाइटी जो आप कॉमन सेंस से लिख सकते हैं, आप सोच सकते हैं अभी भी और उसको लिख सकते हैं, इनफैक्ट ये इग्नू के मटेरियल में भी है, और सोशल मूवमेंट मतलब कैसे जो इंटरेस्ट ग्रुप सिविल सोसाइटी सोशल मूवमेंट डालते हैं वो तो केस स्टडी से भी आप देख सकते हैं, जैसे लोकपाल का आप देख लीजिए, मनरेगा का देख लीजिए। देन जो मेरी लास्ट सलाह ये है कि सेलेक्टिवली रीड कीजिए, क्योंकि ये डीएससी पेपर को ना एक्सटेंसिव नहीं पढ़ना है आपको, जितना मैंने बताया उतना ही पढ़िए, और उसको इतनी बार पढ़िए अभी 5-6 दिनों में, जैसे 10-11 बार, आपको लगता होगा सर बोल रहे हैं 10-11, मैं रियल कह रहा हूं, ऐसा करना है, 10-11 बार कीजिए कि थोड़ा पढ़िए लेकिन इतनी बार पढ़िए कि आपको पेपर में 4 क्वेश्चन तो करना ही करना आपको आएगा ही आएगा। जैसे आप एक पब्लिक पॉलिसी से लिख देंगे, एक मॉडल से लिख देंगे, पॉलिसी एनालिसिस क्या होता है, उसके क्या प्रोसेसेस है वो लिख देंगे, और इंटरेस्ट ग्रुप्स सोशल मूवमेंट कैसे उसको अफेक्ट करता है, और कैसे नेहरूवियन पॉलिसी चेंज हुई है, कैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया है, और अभी को जो कुछ पॉलिसीज है उसको पढ़ लीजिए, लाइक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ लीजिए, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी तो पुरानी हो गई उसको पढ़ लीजिए, वैक्सीन पॉलिसी हो सकता है वो पढ़ लीजिए, और उससे आप वो केस स्टडी सॉर्ट ऑफ आएंगे, उसको इतनी बार पढ़ लीजिए कि आप आंसर लिख पाए। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने इंग्लिश में लिखा है पता नहीं इसको आप क्या समझेंगे, राइट अप्रोक्सीमेट बट स्टैंडर्ड आंसर, इसका मतलब क्या होता है आप समझिए। क्वेश्चन जो सेटर होते हैं और उससे भी ज्यादा जो क्वेश्चन जो आंसर आपके चेक करते हैं, कॉपी जो टीचर चेक करते हैं, वो पूरे लाइन नहीं पढ़ते हैं, आप याद रखिएगा इस बात को, कोई नहीं पढ़ता है, वो एक जनरल देखते हैं कि आपने लिखा क्या है, जो आपने हाईलाइट किया है, जो अंडरलाइन किया है, जरूर करें इसको, उसको वो पढ़ते हैं, उसमें वो फ्रेजेस ढूंढते हैं, उसमें वो सही बातें ढूंढते हैं जो कि उनके दिमाग में हॉन्ट करता रहता है कि पब्लिक पॉलिसी में ये लिखना है। और यदि आप वो लिखते हैं,
मतलब स्टैंडर्ड उसी को बोलते हैं, स्टैंडर्ड सेंटेंस लिखिए, स्टैंडर्ड जो है वो पॉइंट्स लिखिए, वो जो कि वो एक्सपेक्ट करते हैं, और उसके अंदर में जो आप बातें हैं एकदम सिंपल सिंपल लिखिए, बहुत ज्यादा अपनी ज्ञान देने की जरूरत आंसर में नहीं होती है। और अप्रोक्सीमेट भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट मतलब है कि सोशल साइंस में किसी आंसर का टू द पॉइंट आंसर नहीं होता है, टीचर नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक खास आंसर लिखेंगे, क्योंकि कोई खास आंसर नहीं होता है, अपने तरीके से आप हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं उसको अप्रोक्सीमेट आंसर कहते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी बकवास नहीं करनी है, स्टैंडर्ड लिखनी है, मतलब वो उसमें वो फ्रेजेज यूज करने हैं, वो पॉइंट यूज करने हैं जो बिल्कुल टीचर को पता है कि किताबों में है, जो आपको मैंने बताया है, जो आप बार बार पढ़ेंगे, तो अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड आंसर लिखेंगे आपको सबसे अच्छा मार्क्स आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आइए अब एक एक थीम वाइज जो है देखें 3 साल में कैसे क्वेश्चन आए। मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें 2021 और 2020 के दो दो सेट हैं, इसलिए उसमें दो क्वेश्चन भी कई जगह मुझे दिखे हैं। जैसे पहला है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक पॉलिसी, इसमें 2021 में नहीं खोज पाया, जो मेरे पास में दोनों सेट हैं उसमें नहीं थे, लेकिन इससे क्वेश्चन इस टाइप के जैसे 2020 में है वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक पॉलिसी, ये एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्या होता है पब्लिक पॉलिसी। और दूसरा कि दूसरा इस तरह से पूछा जाता है, या तो पूछा जाएगा जैसे 2019 में है, डिस्कस इट्स रोल एंड सिग्निफिकेंस, या इट्स नेचर स्कोप रोल एंड सिग्निफिकेंस, चार चीजें, या जो 2020 में क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ये जो लाइन है इसको इस तरह समझिए, ये सिंपली पूछ रहा है कि पब्लिक पॉलिसी को बनाने के क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या जो क्रम से, मतलब क्या क्या एक्टिविटी होती है जिससे कि पब्लिक पॉलिसी बनता है। 6 स्टेज साइकिल कहते हैं जिसे पब्लिक पॉलिसी बनती है, आगे के स्लाइड में हम उसको बताएंगे भी। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको मैं बता दूं, इससे पहले कि हम आगे के स्लाइड में, मैंने ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस किया अपने ही वीडियो के एक स्लाइड को कॉपी करके। पब्लिक पॉलिसी क्या है एक लाइन में समझिए, तो गवर्नमेंट जो स्टेट, आपको पता है स्टेट को चलाती है गवर्नमेंट, जो चलाती है वो स्टेट इन एक्शन है। गवर्नमेंट जो भी करना चाहती है पब्लिक के समस्याओं को समाधान करने के लिए, वो पॉलिसी डिसीजन बन जाता है। जैसे मान लीजिए अभी सरकार ने सोचा कि कैसे इस पैंडेमिक से लड़ा जाए, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसका एक सॉल्यूशन सरकार को ये समझ में आया कि यदि अपने लोगों को जल्दी जल्दी हम वैक्सीन दे दें तो शायद हमारे लोग बच जाएंगे, और वो बदल जाती है वैक्सीन पॉलिसी में। अब वैक्सीन पॉलिसी के तहत बहुत सारे प्लान, प्रोग्राम, मिशन लॉन्च होते हैं और उसको जो है इम्प्लीमेंट की जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और फिर इवेल्युएट की जाती है कि हम कहाँ पहुंचे और क्या जो हमने सोचा था कि इससे दूर होगी, क्या वो दूर हुई हमारी प्रॉब्लम या नहीं। इसी तरह से डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी किस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए है, पब्लिक की बहुत समस्या है कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें पैसा गवर्नमेंट का फंसा हुआ है, उसमें रिटर्न ज्यादा नहीं मिलता है, वहाँ रेड टेप है, वहाँ पे जो है करप्शन है, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो यदि वो पैसा वहां से निकाल लिया जाए, मतलब डिसइन्वेस्ट करके पीपल को, और उसको प्राइवेट सेक्टर को लिवरेज किया जाए या इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाए, तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने से जो है हमारी जनरल जो इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी, जैसे पोर्ट, रोड, हवाई अड्डा, ये सब बने, एजुकेशन, हेल्थ केयर में लगे, और दूसरा जो जो काम पब्लिक सेक्टर कर रही है यदि वो प्राइवेट सेक्टर करे तो ज्यादा इफिशियंसी आएगी। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी लाई जाती है। तो पब्लिक पॉलिसी जो है वो पीपल के समस्याओं को सुलझाने के लिए एक डिसीजन है, एक कोर्स ऑफ एक्शन है, डेफिनेट कोर्स ऑफ एक्शन है। तो ये एक पब्लिक डिसीजन मेकिंग है, ये कोई घर की बात नहीं कि हमें कौन सी मूवी देखनी है आज शाम में, ये पब्लिक डिसीजन मेकिंग है टू सॉल्व पब्लिक प्रॉब्लम। और इसीलिए बहुत कठिन होती है, क्योंकि पब्लिक के जो प्रॉब्लम होते हैं बड़े वेग होते हैं, और जो उसके सॉल्यूशन होते हैं वो कई हो सकते हैं, उसमें से एक सॉल्यूशन हमें चुनना होता है, और फिर उसका इंप्लीमेंटेशन भी उतना ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इतने लार्ज पॉपुलेशन में उसको जो है इंप्लीमेंट करना होता है। सो पब्लिक पॉलिसी ये है। अब इसके जो डिफरेंट स्टेजेज हैं वो आगे के स्लाइड में देखेंगे, जो इसका रोल और सिग्निफिकेंस है, स्कोप और नेचर, उसके बारे में क्या कहना है। पॉलिसी ही सब कुछ है, गवर्नमेंट जो कुछ भी करती है वो अपने पॉलिसी पहले बनाती है, उसी के थ्रू करती है। आप एक एक एक्शन गवर्नमेंट का देख लीजिए, वो उसी पे आधारित होता है, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस हमारे डे टू डे हर चीज में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने आज से बहुत साल पहले एक पॉलिसी बनाई थी कि वो जो तेल का, जो पेट्रोल का जो दाम है उसको मार्केट पे छोड़ देगी, एक पॉलिसी थी, और उस पॉलिसी देखिए हमें कितना इफेक्ट होता है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब जो है गैस की सिलेंडर जो है वो सब्सिडी उस तरह से नहीं मिलेगी जैसे पहले मिलेगी, उन्होंने सब्सिडी की पॉलिसी चेंज की, उसे देखिए कितना फर्क पड़ा। तो गवर्नमेंट की किसी भी एक्शन का जो है जो पॉलिसी से ही निकलती है, उसका हमारे डे टू डे पे बहुत जबरदस्त असर
पड़ता है। इसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा है कि गवर्नमेंट जो कुछ भी करती है वो पॉलिसी का ही प्रतिफल होता है और हमारा लाइफ उससे अफेक्टेड होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका रोल और नेचर यदि देखें पब्लिक पॉलिसी का, तो मैंने बताया है अपने वीडियो में, उसको देख लीजिए, बहुत तरह के उसके मतलब टाइप्स भी कर लीजिए। रेगुलेटरी पॉलिसी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी होती है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी होती है, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी होती है, फैसिलिटेटिंग पॉलिसी होती है, मेनी मेनी टाइप ऑफ उसका टाइपोग्राफी, उसका नेचर आप देख सकते हैं, और वो कहाँ पे मतलब हमारे स्टैट्यूट में कहाँ आती है वो भी मैंने समझाया। तो उस वीडियो को देख लीजिए इस क्वेश्चन के लिए, और इस क्वेश्चन के लिए भी जिस वीडियो का लिंक मैंने आपको दिया है, फर्स्ट वीडियो। अब आइए यदि स्टेजेज, जो कहा ना कि किस स्टेजेज से पॉलिसी जो है इवॉल्व होती है, बनती है, तो ये मैंने अपने ही वीडियो से लिया, यहाँ बहुत जल्दी मैं कहेंगे। सबसे पहले जो है मैंने से आपको बताया कि पब्लिक पॉलिसी किसी पब्लिक के प्रॉब्लम को, जो एकदम बहुत ही बड़ी हो चुकी है, उसका समाधान के लिए एक डिसीजन है। तो वो प्रॉब्लम क्या है पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये बहुत इतना आसान नहीं होता है, समझिए। ये आपको सुनने में लगता होगा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत आपके कॉग्निजेंस पे डिपेंड करता है। बहुत बार कुछ प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आएगी, जैसे कि फार्मर की सुसाइड है, गवर्नमेंट जो है फार्मर की सुसाइड है, लेकिन क्या आपको अभी तक कोई पॉलिसी नजर आती है गवर्नमेंट की? क्योंकि उस प्रॉब्लम को जब तक आप एजेंडा में नहीं ले आएंगे कि गवर्नमेंट सोचे कि हमें इसको सॉल्व करना है, तब तक उस प्रॉब्लम ऐसे ही वो बेचारी भटकती रहती है, भटकती आत्मा के जैसे। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर वो जो है वो एजेंडा में ऊपर आए। देखिए, जो पार्टी सत्ता में होती है उसकी अपनी आइडियोलॉजी होती है, उसी आइडियोलॉजी से वो जो है पॉलिसी बनाते हैं। यदि उनकी आइडियोलॉजी में वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं है, तो वो एजेंडा में ऊपर आएगी ही नहीं डिसीजन मेकिंग में। फिर एजेंडा में आ गई तब पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है, यहीं पे पॉलिसी एनालिसिस का यूज होता है, जो आगे हम लोग समझेंगे, जहां पे कि पॉलिसी एक्सपर्ट सामने आते हैं, वो कहते हैं ठीक है सर, आपने डिसाइड कर लिया कि किसानों की जो आत्महत्या है वो एक समस्या है, इसको सुलझाना है, तो मेरे पास में हमने बरसों से एनालिसिस किया हुआ है, पॉलिसी एनालिसिस, कि ये सब अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इसके लिए हो सकते हैं। आप लोन माफी दे सकते हैं, या आप किसी कृषि कानून में चेंज कर सकते हैं, जो MSP की पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं, और कई कई, और उन सब का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी हमने किया। ये सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है कि आप गारंटीड MSP दे दीजिए, और फिर वो बताते हैं कि इससे ये फायदा होगा। तो यहाँ पे पॉलिसी अल्टरनेटिव पे चर्चा होती है, फिर गवर्नमेंट सोचती है चलो ठीक है, ये एक्सपर्ट कह रहे हैं, फिर अपने पॉलिटिकल भी उसमें दिमाग लगता है कि हमें कितना वोट मिलेगा, कितना अच्छा होगा नहीं होगा, ये सब बेसिकली पॉलिसी डिसीजन एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है, वो एक्सपर्ट के डिसीजन से नहीं चलती है। लेकिन यदि एक्सपर्ट के डिसीजन और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दोनों मैच हो जाए, तो उस पॉलिसी अल्टरनेटिव को एडॉप्ट कर लिया जाता है। इस एडॉप्शन को हम पॉलिसी चॉइस कहते हैं, मतलब ये पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया गया और उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि चलो एमएसपी हमने लोअर गारंटी कर दिया, क्योंकि किसानों के आत्महत्या से हम बहुत द्रवित हैं, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो गरीब किसानों को इससे राहत मिलेगी। अब जब एक बार पॉलिसी एडॉप्ट हो गई, तो फिर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना होता है। यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव सामने आते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेट सामने आते हैं, वो भी सेंटर के, स्टेट के, लोकल गवर्नमेंट के, PSU के, तमाम मिल करके जो है इसको इंप्लीमेंट करते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, और यहीं पे मेक और ब्रेक पॉलिसी की हो जाती है, और फिर जो है उसका पॉलिसी एक्सपर्ट या फिर एग्जीक्यूटिव भी उसका एनालिसिस करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं कि जो हमने सोचा था वो हुआ क्या, हमारे मान लो पहले 1000 किसान साल में मर रहे थे आत्महत्या से, तो क्या अब वो घट करके 200 हो गई क्या, या उससे कोई चेंज नहीं हुआ, ये इंप्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम आए, क्या इश्यूज आए, इसको इवेल्युएशन करते हैं, और इसके बेसिस पे फीडबैक करके फिर हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन के पास फिर पहुंच जाते हैं, वो साइकिल फिर से ऊपर चलती है, पॉलिसी को हम चेंज करते हैं, टिंकर करते हैं, या उसी पे आगे बने रहते हैं। ये जो है स्टेज मॉडल पॉलिसी प्रोसेस का है, मतलब पॉलिसी किस तरह से बनती है। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है कि पहले ये हुआ, पहले ये हुआ, पहले ये हुआ। इनफैक्ट पॉलिसी मेकिंग रियल लाइफ में एकदम रैंडम होता है, पता लगा ऑल ऑफ ए सडन यहाँ पे डिसाइड कर लिया गया कि ये पॉलिसी अल्टरनेटिव लेनी है, और फिर प्रॉब्लम ढूंढा जाता है कि क्या जनता को बताएंगे कि ये प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। रैंडम होता है, नॉन लीनियर, मतलब पहले ये हो गई फिर ये हुई, सिक्वेंशियल, इस तरह सिक्वेंशियल नहीं होता है, पहले पॉलिसी बाद में प्रॉब्लम भी होती है, जैसे मैंने बताया कैओटिक होती है, कभी पॉलिसी अचानक बीच में रुक जाती है, सरकार गिर जाती है, वो पॉलिसी बहुत बरसों तक जो है सोई रहती है, फिर उठ करके सामने आती है, लोकपाल का याद कीजिए, और कई बार अनएक्सपेक्टेडली जो है बहुत अचानक बन जाती है, सुबह में आपको पता नहीं होता, शाम में पता लगता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई कि 370 को एनल करना है, आप चौंक जाते हैं, तो अनएक्सपेक्टेड भी होती है। तो इसलिए ये जो इस तरह का जो मैंने बताया है, ये एक थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट है, ये आपको एग्जाम में लिखना है कि ऐसा रियल लाइफ में बहुत बार होता नहीं है, लेकिन यदि ऐसा हो तो इस टाइप से होगा। अब आइए पॉलिसी एनालिसिस पे, आपको एक दो क्वेश्चन रहेंगे, हो सकता है दो क्वेश्चन भी रह सकते हैं इसे 2021 में, दो क्वेश्चन ये नहीं है, दो सेट से हैं, तो एक ही क्वेश्चन रहेगा।
दो क्वेश्चन आपको रहेंगे तो वो पब्लिक पॉलिसी से रहेगा, एक में कि पब्लिक पॉलिसी क्या है और दूसरा में उसके मॉडल पे रहेगी, वो आगे हम लोग देखेंगे भी। देखिए पॉलिसी एनालिसिस जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि वो वहां पे पिक्चर में आता है जहां पॉलिसी फॉर्मुलेट हो रही है, जो थर्ड स्टेज है पब्लिक पॉलिसी बनने के इवोल्यूशन का। और पॉलिसी एनालिसिस जो है एक्सपर्ट का काम है, मतलब ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे पॉलिसी जो विशेषज्ञ हैं वो पिक्चर में आते हैं। और ये एनालिसिस दो तौर पे हो सकती है, इस चीज को समझिए इंपॉर्टेंट है, एक कि पॉलिसी बनने से पहले और दूसरा पॉलिसी बनने के बाद। यदि पॉलिसी बनने के बाद होती है तो वो इवैल्यूएशन के स्टेज में आता है, और यदि पॉलिसी बनने के पहले हो रही है तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के स्टेज में आता है। यदि पॉलिसी बनने के पहले हो रही है, ए प्रायरी समझ लीजिए, तो वहां पे एक्सपर्ट जो है वो इस प्रॉब्लम, जैसे कि मान लीजिए किसानों के आत्महत्या का प्रॉब्लम, उस पे वो पूरा दिमाग लगाते हैं, रिसर्च करते हैं कि इसके क्या क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं। जैसे किसान का कर्ज माफ कर दे एक हो सकता है, दूसरा हम उसके प्राइसेज जो है उसको अपने से तय कर दे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और उसको गारंटीड कर दे, ये हो सकता है, या किसानों को आइडेंटिफाई करके कुछ उसको डायरेक्ट इनकम उनके खाते में पहुंचा दें जो गरीब किसान है, ये हो सकता है। तो इस तरह के पॉलिसी अल्टरनेटिव को वो सोचते हैं और फिर उस सभी अल्टरनेटिव का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालते हैं कि उसका कितना सोशल कॉस्ट होगा, सोशल बेनिफिट होगा, और सबको मनीटरी टर्म में जो है एक तरह से यूटिलिटेरियनिज्म कह लीजिए, वो है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पर्सन, और उसको जोड़ते हैं कि सबसे जो लीस्ट जिसमें कॉस्ट है और मैक्सिमम बेनिफिट है वो अल्टरनेटिव अच्छा है, एक तरह यूटिलिटेरियनिज्म, फिर से मैं सब सेकंड टाइम कर रहा हूं, और उसको वो रिकमेंड करते हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए उस पे भी वो बताते हैं, उसके स्ट्रेटजी बताते हैं, और ये पॉलिसी एनालिसिस है। यदि पॉलिसी बन चुकी है तो उसका एनालिसिस का मतलब ये होता है पोस्टमार्टम करना, फिर ये देखा जाता है कि वो पॉलिसी जो इंप्लीमेंट हुई वो क्या वो जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर पाई या नहीं, या उसने और कहीं नई प्रॉब्लम खड़े कर दिए, क्या उसके इंप्लीमेंटेशन में क्या बाधाएं, क्या वो पॉलिसी में सबस्टेंटिवली दम था कि उस प्रॉब्लम को दूर कर पाए, या उसके इंप्लीमेंटेशन में कमी रह गई कि ये पॉलिसी ठीक से जो है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, फिर वो अलग अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, फिर से वही काम करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कहते हैं ये अल्टरनेटिव को डम कर दीजिए, दूसरा अल्टरनेटिव लीजिए। ये जो है पोस्ट प्रायरी जो है वो, या पोस्ट फैक्टो जो है पॉलिसी एनालिसिस है। तो पॉलिसी एनालिसिस दो तरह से होती है, या तो पॉलिसी बनने के पहले होगी या पॉलिसी बनने के बाद होगी। पॉलिसी बनने के बाद मतलब कि इवैल्यूएशन होगी, टिंकरिंग होगी, चेंज इन अल्टरनेटिव होगा। पॉलिसी बनने के पहले जो है वो पॉलिटिकल लीडर जो पॉलिसी लेते हैं उनको हेल्प करते हैं कि हुजूर ये जो है पॉलिसी अल्टरनेटिव ये अच्छा है, और ये क्यों अच्छा है, इसलिए अच्छा है, और इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसकी स्ट्रेटजी ये है। तो ये पॉलिसी एनालिसिस है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्हाट इज पॉलिसी एनालिसिस, ये मैंने अभी आपको बताया, आप इसको इग्नू के मटेरियल से पढ़ लीजिए यूनिट 19 से। हाउ डज इट प्रोवाइड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइकली एंड एक्चुअल कंसेक्वेंसेज ऑफ ए प्रपोज्ड पॉलिसी। एक तो है लाइकली, यदि हो चुकी है, या सॉरी लाइकली मतलब कि होने वाली है, ए प्रायरी यदि हो चुकी है तो एक्चुअल कंसेक्वेंस प्रपोज पॉलिसी, वही तो बताते हैं पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस में, यही तो है, उसी को एनालाइज करते हैं वो कि उसके क्या आउटकम हुए, पहले तो क्या आउटपुट हुए, क्या आउटकम हुए, क्या अनइंटेंडेड कंसेक्वेंसेज हुए, क्या इंप्लीमेंटेशन में परेशानी आई, और उसका जो नतीजा रहा वो क्या रहा, और प्रॉब्लम को दूर हुई या नहीं, ये अल्टरनेटिव सही था या नहीं, लाइक दैट। पॉलिसी एनालिसिस इज ए थिंकिंग मैन्स रिस्पॉन्स टू द डिमांड्स ऑफ द पीपल। एक लाइन दिया गया है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिसी एनालिसिस इन द स्टडी ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। ये घुमा हुआ, इसी को घुमा हुआ क्वेश्चन कहते हैं। ये मैंने इसलिए भी दिया है कि आप समझिए इसको कैसे सिंपल समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन का सीधा मतलब यह है कि ये पूछ रहे हैं कि पॉलिसी एनालिसिस क्या है, नंबर वन, सेकेंड पॉलिसी एनालिसिस का पब्लिक पॉलिसी के स्टडी में क्या महत्व है। बहुत सिंपल सा बात है, पॉलिसी एनालिसिस जो है पब्लिक पॉलिसी का साइंटिफिक पार्ट है। पब्लिक पॉलिसी अपने आप में साइंस और आर्ट दोनों है। जब एक पॉलिटिकल लीडरशिप कोई पॉलिसी डिसीजन लेता है, जैसे मोदी जी ने वैक्सीन का लिया, तो वो प्योर साइंस नहीं होता है, वो आर्ट होता है। उसमें बहुत सारे जो है हंच होते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पिक्चर में आती है, पॉलिटिकल वैल्यूज पिक्चर में आती है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा साइंस भी होता है, वो पॉलिसी एनालिसिस है। उसके पीछे एक टीम ऑफ एक्सपर्ट जो है वर्षों से वो एनालिसिस करते हैं पॉलिसी की, कि यदि ये प्रॉब्लम है पैंडेमिक में तो उसको क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्यूशन में क्या कॉस्ट बेनिफिट है, वो सब बहुत टेक्निकल है, वो साइंटिफिक है, लेकिन एक्चुअल पॉलिसी डिसीजन एक आर्ट है। तो ये साइंस और आर्ट को मिलाता है, उसकी यही इंपॉर्टेंस है कि पब्लिक पॉलिसी एज ए आर्ट जो है उसको ये साइंटिफिक एंकरिंग देता है, साइंटिफिक रूप देता है इसको, तभी वो पॉलिसी जो है वो उसमें दम बन पाता है कि वो पब्लिक की समस्या को दूर कर पाए। नहीं तो जैसे कि अफलातून जैसा, जैसे तुगलक ने जो है फैसला ले लिया
कि चमड़े का जो है सिक्का चलेगा, ऐसे पॉलिसी, लेकिन उसमें दम नहीं था तो देखिए क्या हुआ उसका। इसी तरह उसने डिसीजन ले लिया कि दिल्ली से दौलताबाद जो है जाएंगे बिना कोई साइंटिफिक उसमें एनालिसिस किए हुए, तो उसका नतीजा क्या हुआ। तो उसी तरह से कोई भी पॉलिसी जो है पॉलिटिकल लीडर ऐसे ही यदि ले लेंगे एक आर्ट खेल के जैसा बिना पॉलिसी एनालिसिस के, तो उस पॉलिसी का नतीजा बहुत ही गंभीर हो सकता है। जैसे इंडिया में बहुत लोग कहते हैं कि डीमोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी ली गई वो शायद उसमें बहुत ज्यादा साइंस इन्वॉल्व नहीं था, पॉलिसी एनालिसिस इन्वॉल्व नहीं थी, इसीलिए उसमें बहुत लोगों को बहुत परेशानी आई, ऐसा लोग कहते हैं। इसका एक क्रिटिक हो सकता है। तो इसीलिए पॉलिसी एनालिसिस का पब्लिक पॉलिसी में बहुत स्थान है, बहुत सिग्निफिकेंस है, बहुत तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये पहला लाइन वही चीज कहता है कि पॉलिसी एनालिसिस इज अ थिंकिंग मैन्स रिस्पॉन्स टू डिमांड्स ऑफ द पीपल। पॉलिसी क्या है, वो पीपल का जो डिमांड है, जो प्रॉब्लम के रूप में आती है, उसका सॉल्यूशन है। तो उसमें यदि पॉलिसी एनालिसिस के थ्रू लाया जाए तो वो थिंकिंग मैन का जो है सॉल्यूशन है, और यदि ऐसे ही ले आया जाए तो वो एक गेम है, तो वो बेकार है। यही बात ये कह रहे हैं। सो पॉलिसी एनालिसिस एक साइंस है, कहने का मतलब है, विच एड वैल्यू टू द आर्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। 2020 में क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉलिसी एनालिसिस, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। प्रोसेस अगेन इसके स्टेजेज हैं कि पॉलिसी एनालिसिस पहले क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं। प्रोसेस का मतलब ही यही होता है, एक्टिविटी का सीक्वेंस, वो हम आगे के इसमें इग्नू से मैंने लिया है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे आगे के स्लाइड में। व्हाट इज पॉलिसी एनालिसिस मैंने बता दिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिसी एनालिसिस, फिर ये सब में देखिए कि व्हाट 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 सब में एक ही क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेज ऑफ पॉलिसी एनालिसिस, ये सेम है। Various stages of policy analysis is same as the process of policy analysis. तो आगे के हम लोग इसमें देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको पूछा जाएगा कि क्या है meaning public policy analysis का, उसके stages, phases, steps या process, सब एक ही बात है क्या है, यही दो question इसमें पूछा जा रहा है, उसका significance क्या है policy, public policy में या policy making में। अब यहाँ पे थोड़ा सा इससे पहले कि हम आपको वो प्रोसेस दिखाएं, 6 स्टेप प्रोसेस पॉलिसी एनालिसिस का, उसके पहले पॉलिसी एनालिसिस की डेफिनेशंस अनदर, ये सब मैंने इग्नू से लिया हुआ है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने पिक किया है वहां से। अब इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 10 बार पढ़ लीजिएगा। पॉलिसी एनालिसिस का डेफिनेशन जो है, द यूज ऑफ नॉलेज फॉर मेकिंग मैनेजिंग एंड इवेल्युएटिंग पब्लिक पॉलिसी इज जनरली टर्म्ड एज पॉलिसी एनालिसिस। तो पॉलिसी को बनाने में, उसको मैनेज करने में, और इवेल्युएट मतलब इवेल्युएट कर रहे हैं तो पोस्ट प्रायरी है बाद में, और यदि बनाने में तो ए प्रायरी है। डन का जो डेफिनेशन बहुत अच्छा है, अप्लाइड डिसिप्लिन, एक अप्लाइड साइंस है, विच यूजेस मल्टीपल मेथड, बहुत सारे मेथड यूज करते हैं, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी एंड आर्गुमेंट टू प्रोड्यूस एंड ट्रांसफॉर्म पॉलिसी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दैट मे बी यूटिलाइज्ड इन पॉलिटिकल सेटिंग, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वैल्यू से गाइडेड होता है, टू रिजॉल्व पब्लिक प्रॉब्लम। तो पब्लिक प्रॉब्लम को दूर करने में जो सॉल्यूशन है, उसमें जो साइंटिफिक वे में जो पॉलिसी से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं, वो पॉलिसी एनालिसिस है। यदि पैटर्न एंड स्वाइकी कह लें, मेरे प्रोनाउंसिएशन में जाइए, एंड अप्लाइड डिसिप्लिन विच यूजेस मल्टीपल मेथड ऑफ इंक्वायरी एंड आर्गुमेंट टू प्रोड्यूस, सॉरी, ये दोनों जो है ये डेफिनेशन सेम होगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा, मैंने कॉपी पेस्ट किया होगा, इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ। दस पॉलिसी एनालिसिस, इसकी डेफिनेटली दोनों की अलग अलग होगी, मैंने इसको कॉपी करने में गलती किया है। दस पॉलिसी, ये सब इग्नू के मटेरियल में तो आप देख सकते हैं। दस पॉलिसी एनालिसिस इज ए टेक्निक विच प्रोवाइड्स रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आफ्टर ए थोरो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टू द डिसीजन मेकर्स अबाउट। तो ये क्या है जो मैंने आपको बताया कि ये पूरी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है पॉलिसी के हर एस्पेक्ट का, और वो ले करके वो डिसीजन मेकर जो पॉलिसी लेने वाले हैं उसको बताते हैं दो चीजें। एक, यदि वो पहले कर रहे हैं ए प्रायरी, तो लाइकली कंसिक्वेंसेज ऑफ द प्रपोज पॉलिसी, क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कैसे हम सॉर्ट आउट करें, कौन सा अल्टरनेटिव अच्छा है, या यदि हो चुका है पॉलिसी, यदि उसकी इवेल्युएशन हो रही है एनालिसिस के तौर पर, तो एक्चुअल कंसिक्वेंसेज ऑफ द पॉलिसीज ऑलरेडी अडॉप्टेड। तो ये इसकी जो है मायने है। यदि इसका रोल सिग्निफिकेंस मेथड देखें, तो इफ पॉलिसी मेकिंग इज एन आर्ट, पॉलिसी एनालिसिस एम टू एड ए बिट ऑफ साइंस टू द आर्ट, टू दिस आर्ट, ये मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया। पॉलिसी एनालिसिस प्रोवाइड्स इलेक्टेड एंड नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट डिसीजन मेकर, जो भी पॉलिसी का डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन मेकर हैं, द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप ए ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पॉलिसी प्रॉब्लम एंड पॉसिबल सॉल्यूशन। वो दोनों ही चीजों को समझने में मदद करते हैं कि सर आप जो पॉलिसी लेके आ रहे हैं वो किस प्रॉब्लम का है, पहले प्रॉब्लम को समझिए। प्रॉब्लम समझना आसान नहीं होता है, पीपल के प्रॉब्लम जहां 140 करोड़ लोगों की प्रॉब्लम है, और उसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, किस अल्टरनेटिव को चूज करने से क्या उसके कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, उसको पूरा करने
करने के लिए क्या इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटजी हो सकती है, ये सारा इन्फॉर्मेशन वो डिसीजन मेकर के सामने प्लेट पे रखते हैं। पॉलिसी एनालिसिस कैन हेल्प डिसीजन मेकर मेक रैशनल डिसीजन। रैशनल डिसीजन वो है जो कि लॉजिकल है, जो तर्क पे आधारित है, रीजन पे आधारित है, साइंटिफिक है, जिसका कि एक आधार है पढ़े लिखे बेसिस पे, ना कि अफलातूनी डिसीजन नहीं है। प्रिस्क्रिप्टिव और प्रेडिक्टिव एनालिसिस डील विथ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, जो ऐसे पॉलिसी जो कि आगे, मतलब कुछ पॉलिसी एनालिसिस जो होते हैं वो आगे आपको बताते हैं रास्ता कि आपको ऐसा करना चाहिए यदि ये प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं। कुछ जो है पॉलिसी एनालिसिस मेयरली डिस्क्रिप्टिव और इवेल्युएटिव होते हैं, जो कि जो पॉलिसी बन चुके हैं आप उस पर आपको वो डिस्क्राइब करते हैं कि आपने ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था, आपने इस तरह से सॉल्यूशन दिया था, वही पॉलिसी बनी थी, उस पॉलिसी का ऐसा इंप्लीमेंटेशन हुआ, उसका नतीजा ये हुआ और इसमें आपको ये कोर्स करेक्शन करना है। तो ये कंसर्न विद पास्ट एक्शंस है। मेथड आपको जरूर एग्जाम में लिखना चाहिए, और इतने ही सारे मेथड को यदि आप एक्सप्लेन कर देंगे तो बहुत है। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की है, ये यूटिलिटेरियनिज्म पे बेस्ड है। इसमें करते क्या है, हर अल्टरनेटिव का हम सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि एयरपोर्ट बनानी है, तो एक कॉस्ट है कि वहां से लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा। अब इसका हम मॉनिटरी टर्म निकालते हैं कि इसमें 200 करोड़ मान लीजिए कि इसका सोशल कॉस्ट है, उसमें बहुत सारे फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जोड़ते हैं। इस तरह बेनिफिट, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कितना ट्रेवल टाइम कम होगा। मान लीजिए हमने देखा कि एक चॉइस नंबर वन जो है उसमें जो है टोटल कॉस्ट जो है वो 100 करोड़ है, टोटल बेनिफिट 400 करोड़ है। दूसरा जो अल्टरनेटिव है उसमें टोटल कॉस्ट जो है 200 करोड़ है और उसका जो बेनिफिट है वो जो है 300 करोड़ है, तो ऑफ कोर्स ये वाला चॉइस जो है हम पसंद कर लेंगे। इस तरह से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। इनपुट आउटपुट एनालिसिस, अब इसके आगे हम आपको पूरा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक मेथड है कि हम कितना जो है इनपुट इन टर्म्स ऑफ मनी एफर्ट और ये डालते हैं, और जो हमें आउटपुट मिलता है उस पॉलिसी के प्रोसेसिंग से, पॉलिसी के होने से वो कितना मिलता है, उसका यदि हम कॉस्ट निकाले और बेनिफिट निकाले तो देखें कि कौन सा ज्यादा जो है अल्टरनेटिव ज्यादा इफेक्टिवली प्रोसेस करता है इनपुट को आउटपुट में। सर्वे मेथड कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, कंप्यूटर सिमुलेशन कर सकते हैं बहुत सारा लैब में बैठ करके कि इस पॉलिसी का क्या होगा, मतलब एक सिमुलेशन, मतलब एक अंदाज लगाना कंप्यूटर के एल्गोरिथम मॉडल से। ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड भी यूज किया जाता है, मार्जिनल एनालिसिस यूज किया जाता है। मार्जिन एनालिसिस ऑलवेज होता है कि एक बढ़ाने से क्या होगा, लाइक दैट, इसको मार्जिन एनालिसिस बोलते हैं। और ये सब मेथड यूज किए जाते हैं रैंक करने के लिए मींस को, जो पॉलिसी अल्टरनेटिव है एक दो तीन चार, और जो सबसे ऊपर होती है उसको हम डिसीजन मेकर कहते हैं कि सर ये लीजिए, ये रैशनल डिसीजन मेकिंग होगा यदि आप इसको चुनते हैं तो। और ना ही केवल पॉलिसी एनालिसिस ये बताता है कि ये अल्टरनेटिव सही है, वो ये भी बताता है कि इस अल्टरनेटिव को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी बनाए जा सकते हैं, क्या क्या लाइकली प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्या क्या लाइकली अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं। ये सारी चीजों को भी पॉलिसी एनालिसिस में एनालाइज किया जाता है और डिसीजन मेकर को बताया जाता है। तो अब यहाँ पे वो क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं जो जिसमें उन्होंने पूछा था कि पॉलिसी एनालिसिस प्रोसेस के क्या क्या स्टेज हैं या क्या क्या स्टेजेज हैं एक्टिविटी जिससे पॉलिसी एनालिसिस की जाती है। तो ये छह स्टेज में की जाती है। फर्स्ट जो है हम जो है वेरीफाई डिफाइन एंड डिटेल द प्रॉब्लम। अगेन वो वही है कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे आपको यदि पॉलिसी एनालिसिस कर रहे हैं आपके किसानों के आत्महत्या पे, तो पहला आपको अंडरस्टैंड करना है किसानों की आत्महत्या प्रॉब्लम है कि उनकी गरीबी जो है वो प्रॉब्लम है, या किसानों का जो सामान कमोडिटी गरीब किसानों का मार्केट में जो है उसकी वैल्यू नहीं मिल रही है वो प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम को आपको आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना है। यहाँ पे बहुत सारा जो वैल्यू पिक्चर में आ जाता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आ जाती है, और यहीं पे आती है कि आप किस स्टेट में रहे। यदि आप मार्क्सिस्ट स्टेट में रह रहे हैं तो यहीं पे आपको प्रॉब्लम अलग दिखेगी, यदि आप लिबरल स्टेट में रह रहे हैं तो प्रॉब्लम आपको अलग दिखेगी, यदि वेलफेयर स्टेट में, लिबरल वेलफेयर स्टेट में, तो प्रॉब्लम थोड़ी और अलग दिखेगी। तो जो स्टेट का जो नेचर होता है उसी से प्रॉब्लम जो है वो आपको चश्मा ही आपका बदल जाता है, प्रॉब्लम ही अलग दिखने लगती है। Establish evaluation criteria. अब यहाँ पे आप evaluation criteria बनाते हैं कि हम cost benefit analysis पे चलेंगे और cost को ऐसे calculate करेंगे और benefit को ऐसे calculate करेंगे। ये यहाँ पे पूरी trick है, जिस तरह से evaluation criteria बनाएंगे वैसा ही आपका alternative को choose करेंगे। तो ये यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिक्स भी होती है। देन आइडेंटिफाई अंडर अल्टरनेटिव पॉलिसी, अब ये क्रक्स है। यहीं पे आप जो है आप कहते हैं कि इसके छह अल्टरनेटिव है, 1, 2, 3, 4, 5। आप कहेंगे कि फार्म लोन दे दो, उन गरीब किसान को आइडेंटिफाई करके उनको पैसे सीधे बैंक में दे दो, उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दो और उसका जो है मिनिमम लेवल तय कर दो, गारंटीड कि उससे नीचे कोई नहीं खरीदे। इस टाइप की काफी चीजें आप जो है अल्टरनेटिव चुन सकते हो और आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव पॉलिसी। ये मीन्स हो गया, ये हुआ
एंड गोल ये हो गया मींस, मींस एंड को मिलाना ही जो है वो पॉलिसी डिसीजन, लाइक एनी डिसीजन। फिर आप हर अल्टरनेटिव पॉलिसी को जो है आप इवेल्युएट करते हो, कॉस्ट बेनिफिट से करो चाहे किसी भी मेथड से करो जो आपने चुना है यहाँ पे। उसके बाद आप जो बेस्ट जो अल्टरनेटिव होती है उसको आप डिस्प्ले करते हो कि देखिए ये अल्टरनेटिव का रैंक ये है, इसका रैंक ये है, ये अल्टरनेटिव बेस्ट है। और फिर उसके बाद आप सजेस्ट करते हो, यदि वो एक्सेप्ट हो जाती है तो आप मॉनिटर करते हो जो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है और फिर उस पर देखते हो कि वो उसी तरह से हुआ या नहीं हुआ, और ये साइकिल कंप्लीट चलती रहती है। ये मैंने यहां से लिया है, आप यहाँ पे इसको लिंक पे जाके देख सकते हो, यहाँ पे 6 स्टेप लिखे हुए भी। इसको आप 10 बार पढ़ लीजिए और इसको दिमाग में सोच लीजिए तो आप आराम से इसको 1-2 पेजेस में लिख सकते हैं और कहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब आइए द एनालिसिस ऑफ पॉलिसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरीज ऑफ स्टेट, इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। वैसे मतलब मैं इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ और आपको इसमें रीडिंग मटेरियल भी बहुत अच्छे नेट पे अवेलेबल नहीं है, ये ड्यूक रीडिंग मटेरियल से पढ़ने पड़ेंगे, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं इस पोर्शन को। देखिए थोड़ी हिंट मैंने पिछले स्लाइड में भी दिया था कि थ्योरीज ऑफ स्टेट जो आपको जो पढ़ना है सिलेबस में, मार्क्सिस्ट लिबरल एंड वेलफेयर स्टेट, और ये स्टेट यदि है तो वहां पॉलिसी एनालिसिस का जो पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। कॉन्टेक्स्ट क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट गिवन सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर आप एक्ट करते हैं। तो यदि कोई पॉलिसी एनालिस्ट है, यदि वो मार्क्सिस्ट स्टेट में रह रहा है तो वहां पे उसकी सारी सोच ही बदल जाएगी। जैसे वहां पे यदि प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको मार्केट में, फ्री मार्केट में ऑपरेट करने के लिए जो रेगुलेशन है वो बहुत हार्ड है, बहुत उसको सफल मतलब उसको जकड़ते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, उनके लिए प्रॉब्लम दिखेगा ही नहीं क्योंकि मार्क्सिस्ट स्टेट में इस तरह के प्रॉब्लम का कोई मीनिंग नहीं होती है। लेकिन यदि लेबर क्लास को कोई प्रॉब्लम है कि उसको मिनिमम वेजेज एक्ट नहीं मिल रहा है, उसको भुखमरी हो रही है, वो सुसाइड कर रहा है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम मार्क्सिस्ट स्टेट में। उसका उल्टा है लिबरल स्टेट में। लिबरल स्टेट जो है मिनिमलिस्ट स्टेट होता है, आपको पता है वहां स्टेट को एक नेसेसरी इविल माना जाता है, वहां पे मार्केट को बढ़ावा दिया जाता है स्टेट की तुलना में। तो यदि वहां पे ये प्रॉब्लम आए कि जो जो इंडस्ट्रीज हैं वो रेगुलेशन के चलते जो है अपना बिजनेस को ठीक से नहीं कर पाती है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसका बहुत तरीके से सॉल्यूशन आएगा। इसके अलावा जो लिबरलिज्म में प्लुरिज्म होता है, बहुत सारे ग्रुप जो होते हैं इंटरेस्ट ग्रुप, वो उसके बीच में द्वंद चलता है पॉलिसी को लेके कि मेरे लिए पॉलिसी बने, मेरे लिए पॉलिसी बने तो हमको फायदा हो, और पब्लिक पॉलिसी उन ग्रुप के जो इंटरेस्ट होते हैं उसका एक तरह से कंप्रोमाइज हो जाता है। लेकिन मार्क्सिस्ट स्टेट में जो एक ऑथोरिटेरियनिज्म होती है, वहां जो एक पार्टी होती है जनरली कम्युनिस्ट पार्टी, वो डिसाइड करती है समाज के लिए क्या होगा, वहां कोई द्वंद नहीं चलता है, वहां पे एक तरह की होती है, तो वहां पॉलिसी एनालिस्ट का रोल बहुत अलग हो जाता है। वेलफेयर स्टेट में जो कि लिबरल स्टेट का ही एक तौर है जिसको पॉजिटिव लिबरलिज्म कहते हैं, जो रॉल से आए, जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे बेस्ड है, जिसमें कि स्टेट जो है वो जनरल वेलबींग जो समाज का है उसको बढ़ाने के लिए वो काम करती है, जहां गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन देगी, फ्री मकान देगी गरीबों को, फ्री अनाज देगी जैसे इंडिया में होता है, सब्सिडी देगी, तो वहां पे जो है पॉलिसी का पूरा रूप ही बदल जाता है। वहां पॉलिसी एनालिसिस ये होता है कि जनरल वेलबींग गवर्नमेंट मतलब पीपल का कैसे बढ़े, वो कौन सी हम पॉलिसी लेके आए जिससे कि जो गरीब का जो तबका है वो मतलब थोड़ा और ऊपर उठ सके और जनरल जो लोगों को जो है सुविधा ज्यादा हो सके, वहां पे स्टेट का रोल थोड़ा बढ़ जाता है, पॉजिटिव रोल हो जाता है, वहां प्रॉब्लम अलग तरीके से हम देखते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि जैसा स्टेट मतलब जैसा राजा वैसा ही पॉलिसी एनालिसिस का रूप बदल जाता है, उसकी पूरी जो सोच है वो बदल जाती है। अब क्वेश्चन देखिए 2021, डिस्क्राइब पॉलिसी एनालिसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट में पॉलिसी एनालिसिस एकदम अलग तरीके से होगी और वो सब अलग कहां पे होता है, वो उस स्टेज में होता है जहां पे कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, आप समझिए। इसके अलावा जहां पे कि हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालते हैं, जो क्राइटेरिया तय करते हैं, वहां भी हम चेंज हो जाता है। मार्क्सिस्ट स्टेट में जो क्राइटेरिया अलग होगी और जो लिबरल स्टेट में क्राइटेरिया अलग होगी, वेलफेयर स्टेट में क्राइटेरिया अलग होगी। वेलफेयर स्टेट में क्राइटेरिया ये होगी जो वेलफेयर को बढ़ाए, लिबरल स्टेट में क्राइटेरिया ऐसी होनी चाहिए जो सोशल कॉस्ट और बेनिफिट रेगुलेशन का, जो मतलब कि स्टेट को कैसे काबू में रखें और मार्केट को कैसे आगे बढ़ाएं, उसका सोशल कॉस्ट देखेगी। मार्क्सिस्ट में ये देखेगी कि सभी लोगों का जो एक जनरल जो है वेलफेयर कम्युनिस्ट सोसाइटी में कैसे हो रहा है, वहां स्टेट का कोई चर्चा नहीं होगी, वहां इंडस्ट्रियलिस्ट की कोई नहीं होगी, वहां मार्केट को कोई प्रेशर देने की बात नहीं होगी, वहां पे आम जनता जो है ऑल खास करके लेबर क्लास उसके जो जो समस्याएं हैं या वेलफेयर हैं उसके लिए क्राइटेरिया बनेंगे कि उसका कैसे वेलबींग ज्यादा हो पाए। तो इस तरह से बहुत ही डिफरेंट क्राइटेरिया हो जाता है एंड चुनने का, गोल चुनने का, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने का,
जो अल्टरनेटिव हैं वो भी बहुत बदल जाते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव ही आपको नहीं मिलेंगे. मार्क्सिस्ट स्टेट में जो अल्टरनेटिव आप चुनेंगे, पॉलिसी अल्टरनेटिव, वो बहुत अलग होंगे, और लिबरल स्टेट में जो अलग सेट ऑफ अल्टरनेटिव होंगे, आपके चॉइस ही जो है लिमिटेड हो जाएंगे. तो इसीलिए वेलफेयर स्टेट में जो पॉलिसी एनालिसिस होगी वो इस तौर पे होगी, इस नजरिए से होगी कि ओवरऑल वेल बीइंग, वेलफेयर पीपल का कैसे इंक्रीज हो. तो यहाँ पे सब्सिडी बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, यहाँ पे जितने भी फ्रीबीज दिए जाते हैं, पॉपुलिस्ट मेजर होते हैं, गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर होती है, जो फिस्कल डेफिसिट होती है, वो सब बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा. पॉलिसी एनालिसिस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्सियन थ्योरी ऑफ स्टेट जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें बहुत अलग अलग मुद्दे, बहुत अलग अलग पॉलिसी के अल्टरनेटिव होंगे, और उसका क्राइटेरिया भी बहुत अलग होगा. 2020 में देखिए, डिस्क्राइब पॉलिसी एनालिसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिबरल एंड मार्क्सिस्ट, इसी का दोनों का मिक्सचर है, लिबरल और मार्क्सिस्ट दोनों में. पहले अच्छा, इस तरह क्वेश्चन को आपको टैकल कैसे करना है मैं बताता हूँ. आप देखिए, पहले लिबरल और मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट क्या है, आप एक दो पेज में तो वो लिख दीजिए सीधा, कि पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये, या कर रही हूँ कि ये लिबरल स्टेट क्या है. लिबरल स्टेट के जितने फीचर होते हैं, उसमें प्लूरलिज्म होगा, उसमें मिनिमलिस्ट स्टेट होगा, उसमें मार्केट को प्रश्रय होगा, वो क्लासिकल या पॉजिटिव लिबरलिज्म पे बेस्ड होगा, टैक्सेशन थोड़े मॉडरेट रखे जाएंगे एंड लाइक दैट. और जो मार्क्सिस्ट स्टेट होगा उसमें क्या होगा, स्टेट जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास के लिए काम करता हुआ नजर आएगा, इवन यदि उसको प्रोलेटेरिएट ने कब्जा भी कर लिया है, जो 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 मार्क्सिस्ट स्टेट जब बन जाते हैं तब भी जो है स्टेट एक तरह का जो है वो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन में नहीं माना जाता है, वो एक एक्सप्लॉयटेटिव इंस्टीट्यूशन ही माना जाता है. लेकिन यदि प्रोलेटेरिएट ने उस पर कब्जा जमा लिया तो डिक्टेटरशिप और प्रोलेटेरिएट होगा, तो स्टेट फिर प्रोलेटेरियन के लिए काम करता नजर आएगा. लेकिन मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट जो है वो बेसिकली ये कहता है कि कैपिटलिस्ट स्टेट कैसा दिखता है. आप यहाँ पे देखिए, एक डाइकोटमी है, ये अपने बारे में नहीं कहता कि जब हम कब्जा जमा लेते हैं तो कैसा दिखता है. और आपको यदि पता नहीं है तो जस्ट दो थ्योरी इसके हैं, कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट ऑफ मार्क्सिस्ट इन मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, जो कि मार्क्स ने दिया था, बाद में मिलीबैंड ने उसको एक्सेप्ट किया, और एक है स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच टू अंडरस्टैंड द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, जो कि पोलेंजा ने इसको आगे बढ़ाया, मिलीबैंड पोलेंजा डिबेट भी हुई, और जिसको कि लुई अल्थुजर ने दिया था. तो ये सबको आप पढ़ सकते हैं, वैसे इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत ये सब है नहीं, बहुत थोड़ा बहुत पढ़ना है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेलफेयर स्टेट इज ए स्टेट दैट प्रोवाइड ए वाइड रेंज ऑफ सोशल सर्विसेज. ठीक है, ये तो डिफाइन कर रहा है कि वेलफेयर स्टेट किसको कहते हैं. इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, डिस्क्राइब पॉलिसी एनालिसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेलफेयर थ्योरी ऑफ स्टेट. बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल आप देकर के अपना काम चला सकते हैं, जैसे कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, तो उसमें देखिए पॉलिसी कैसे बनते हैं, सब्सिडी की पॉलिसी कैसे बनती है, खाद सब्सिडी, फूड सब्सिडी, जो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको राशन के शॉप बोलते हैं, उसकी पॉलिसी देखिए कैसे बनती है. जैसे अभी वैक्सीन फ्री दिया गया, उसकी पॉलिसी कैसे बनी, उसमें कोर्ट का कैसे रोल आया, और पब्लिक पॉलिसी कैसे इन सब वेलबींग को बढ़ाने के लिए कैसे काम करती है. देन 2019 में क्वेश्चन है, एग्जामिन द लिबरल एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस. ये तो एकदम इसका ट्रू कॉपी है. तो इसमें उभर के क्या आता है कि इस बार भी आपको यही आएगा कि पॉलिसी एनालिसिस कैसे बदल जाती है, उसका कॉन्टेक्स्ट बदलने से, यदि वो लिबरल स्टेट हो, मार्क्सिस्ट या वेलफेयर स्टेट हो. आपको मैंने जितना बताया है उसको और थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आप इसको लिख पाएंगे. मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी डिसीजन बहुत आसान है, इसलिए क्योंकि मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया है, और उसको थोड़ी बहुत सप्लीमेंट यदि आप इग्नू से कर लें, ऑनलाइन कर लें, आपका काम चल जाएगा, आपको कहीं और ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है. 2021 में क्वेश्चन है, एग्जामिन द वेरियस मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग. तो उसमें सिस्टम अप्रोच है, रैशनल चॉइस थ्योरी है, पब्लिक चॉइस थ्योरी भी उसको कहते हैं, इंक्रीमेंटलिज्म है, मेनी मेनी अदर गेम थ्योरी भी, जो मैंने बहुत एक्सप्लेन उसमें नहीं किया है. फिर अगेन दूसरा क्वेश्चन, एग्जामिन रैशनलिस्ट मॉडल ऑफ पब्लिक डिसीजन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग. ये मैंने डिस्कस किया है, रैशनल जो मॉडल है, जिसको कि रैशनल चॉइस मॉडल बोलते हैं और उसको पब्लिक चॉइस मॉडल भी कहते हैं, उसमें क्या माना जाता है कि पॉलिसी डिसीजन जो है गवर्नमेंट में एक सेट ऑफ पीपल लेते हैं. जैसे मान लीजिए अभी इंडिया में देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, और चार पांच उनके सलाहकार यही मिल करके तो लेते हैं. तो सेट ऑफ पीपल जो लेते हैं सब अपने अपने, मतलब ये थ्योरी कहता है कि सब अपने सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं और अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं. हर इंडिविजुअल स्वार्थी होता है और अपने इंटरेस्ट प्रेफरेंस को मैक्सिमाइज करना चाहता है, लेकिन एक ऐसे इंस्टीट्यूशनल रोल में बंधा होता है कि वो, उसको पता है कि यदि पब्लिक डिसीजन ले रहा है तो वो सामने वाले का जो सोच है, उसकी जो इंटरेस्ट है, उससे भी उसको देखना पड़ेगा, तभी उसका काम चलेगा. और जैसे कि पब्लिक सेटिंग में देखिए तो
प्राइम मिनिस्टर को पता है कि यदि मैं कोई ऐसी डिसीजन लेता हूं जो कि पब्लिक को पसंद नहीं आएगी, एक लार्ज इंटरेस्ट ग्रुप को पसंद नहीं आएगा, तो रिक्वायल करेगा, हमें इलेक्शन में परेशानी होगी। तो इस तरह से एक जो रैशनल इंडिविजुअल होता है उसका मॉडरेट हो जाता है थॉट बिकॉज ऑफ दिस कंटेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल रूल रेगुलेशन, जो वहां के पॉलिटिकल व्यवस्था है, पार्टी की आइडियोलॉजी है, इन सब से वो मॉडरेट होता है। और यही टकराव मिल करके एक इंडिविजुअल का सेल्फ इंटरेस्टेडनेस और इंस्टीट्यूशन का जो नॉर्म और जो रूल्स होते हैं और जो इंटरेक्शन होते हैं उसमें सब लोगों का जो इंटरेस्ट को एकोमोडेट करने की जो मजबूरी है, उससे निकल करके एक पब्लिक डिसीजन आता है जो सबके भले के लिए ही होता है। यही रैशनल चॉइस मॉडल का कहना है। इसलिए उनका कहना है कि इसमें इंस्टीट्यूशन का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आप ऐसा रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल डिजाइन बनाइए कि आदमी का स्वार्थी होते हुए भी जो सेट ऑफ पीपल जब पब्लिक के लिए डिसीजन ले तो वो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो। और ये इंक्रीमेंटलिज्म से बहुत मायने में डिफरेंट है। इंक्रीमेंटलिज्म चार्ल्स लिंडब्लॉम ने दिया था, उसमें बेसिकली ये कहा था, बजट उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, कि पॉलिसी डिसीजन इतना डिफिकल्ट होता है, इतना डरावना होता है नया पॉलिसी, कि लोग केवल देखते हैं कि पीछे कैसा लिया गया है और उसमें थोड़ी बहुत केवल चेंज कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आमूल चूल यदि चेंज करेंगे तो पता नहीं कहीं वो बाउंस ना कर जाए। इसको इंक्रीमेंटलिज्म बोलते हैं। बजट में आपको क्या होता है, कोई बजट बनाता है, बोलता है अच्छा इस हेड में या इस प्रोजेक्ट के लिए पिछले साल कितना पैसा दिया गया था, 110 करोड़, चलो इस बार कितना खर्च किया उन्होंने, 109 करोड़, 111 करोड़ दे दो, लाइक दैट। तो ये इंक्रीमेंटलिज्म है। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे इंक्रीमेंटलिज्म पे लौट के दिया आप आइए, तो जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जो आधार की जो पॉलिसी थी कि सबको यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिया जाएगा, यूआईडीआई के द्वारा आधार नंबर दिया जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो उनका डिसीजन था और 2009 में, और वो आधार लाए। जब बीजेपी अपोजिशन में थी तो वो कहती थी कि हम इस पॉलिसी को डंप कर देंगे, ये सही नहीं है और ये प्राइवेसी एंड बहुत सारे इश्यू, लेकिन जब बीजेपी आई तो उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल हुआ, वो इंक्रीमेंटलिज्म के चलते कि फिर से क्या करें हम, तो उसी को थोड़ा बहुत टिंकर करके जो है उसको आगे उन्होंने बढ़ाया। इसी तरह से डीबीटी की पॉलिसी भी कांग्रेस लेके आई, बीजेपी ने उसको थोड़ा बहुत चेंज करके नए कलेवर में उसको आगे बढ़ाया। मनरेगा भी जो है वो बीजेपी बहुत उससे उसके आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा मेल नहीं खाता था, लेकिन उसको भी थोड़ा बहुत टिंकर करके उन्होंने आगे बढ़ाया। तो इस तरह से जो पॉलिसी बन जाती है, इसको पाथ डिपेंडेंसी कहते हैं, मतलब कि जब एक बार एक पॉलिसी कोर्स तय हो जाता है ना, तो नदी की धारा जैसे बन जाती है, उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें थोड़ी बहुत आप टिंकर कर सकते हैं। टिंकर मतलब स्मॉल चेंज। 2020 में देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिस्टम। सिस्टम तो मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया, ये है सिस्टम। सिस्टम जो है एक इंटरैक्टिंग पार्ट्स जो एनर्जी मैटर एक्सचेंज करते हैं उसका टोटल सम होल है। होल मतलब इंटरैक्टिंग पार्ट्स का सम टोटल, जो कि उस पार्ट से बड़ा हो जाता है। जैसे हमारा बॉडी एक सिस्टम है, उसके अंदर में हजारों जो कंपोनेंट है वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं। जैसे इकोसिस्टम होता है, तालाब एक इकोसिस्टम, एक मोहल्ला एक सिस्टम है। तो सिस्टम पॉलिटिकल एक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम। एक्सप्लेन सिस्टम मॉडल ऑफ डेविड ईस्टन, या पढ़ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये तो बहुत ही प्राइमरी इन्फॉर्मेशन जो मेरे इस वीडियो में दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, पब्लिक पॉलिसी इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ डिसीजन टेकन बाय अर्लियर गवर्नमेंट्स विद ओनली स्लाइट मॉडिफिकेशन। जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया इंक्रीमेंटलिज्म पे, वही ये लाइन कहता है कि ये पाथ डिपेंडेंट है, जो पहले डिसीजन लिए गए हैं उसी में थोड़ी बहुत चेंज के साथ जो है पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट डिस्कस द इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। उसको आप डिस्कस कर लीजिएगा, मैंने डिटेल में बताया है अपने वीडियो में। क्रिटिकली इवेल्युएट द पब्लिक चॉइस मॉडल फॉर पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस। ये अभी जस्ट मैंने जो आपको रैशनल चॉइस बताया वही जो है अलग फॉर्म में आ जाती है पब्लिक चॉइस, उसी को दूसरा नाम भी कर सकते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो सिग्निफिकेंस भी मैंने उसमें बताया, ये डिफरेंट समझिए लेंस है, डिफरेंट चश्मा है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, डिफरेंट तरह से नजरिया है, हम जैसे सोचेंगे। और यही जो मॉडल होती है ना, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के थ्योरी में बदल जाती है। यदि आप देखेंगे लिबरल स्टेट, तो आप पब्लिक चॉइस थ्योरी आपको जो है लगेगी कि सही मॉडल है डिसीजन मेकिंग का। लेकिन यदि आप दूसरे तरीके से देखें, जैसे कि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में, या एक्चुअल आप देखें कि कैसे एक लिबरल डेमोक्रेसी काम करती है, तो इंक्रीमेंटल जो मॉडल है वो आपको बहुत सही समझ में आता है। कई बार जो है आप अभी जैसा सब लोग इकोनॉमिकली सेल्फ इंटरेस्टेड हो गए, उसमें गेम थ्योरी जो है आपको बहुत सही नजर आता है।
तो जैसे आपका थ्योरी ऑफ स्टेट होगा उसी तरह से मॉडल भी आपको जो है अप्रोप्रिएट अलग बन जाएगा। यहां मैंने फिर से एक बार लिंक दे दिया है जो है, जहां मैंने उसको अप्रोचेस कहा, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, अप्रोचेस टू पब्लिक पॉलिसी सेम एज मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। उसको इस यूट्यूब वीडियो से कम 10-11 बार देख जाइए, अभी बहुत समय है। देन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पब्लिक पॉलिसी। ये मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होता है, पब्लिक पॉलिसी उससे कैसे जुड़ी होती है। अब चर्चा हम लोग करते हैं कि इंटरेस्ट ग्रुप और सोशल मूवमेंट का इसमें क्या रोल होता है। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका जो है लोकपाल की पॉलिसी है। आपको पता है कि लोकपाल की पॉलिसी किस समस्या के लिए थी? हमेशा जब पॉलिसी के बारे में सोचे तो आप समस्या सोचे, समस्या थी करप्शन, पब्लिक प्लेसेस में करप्शन या पब्लिक ऑफिसेज में करप्शन, गवर्नमेंट में करप्शन, उसको कैसे दूर करना है। उसके लिए सॉल्यूशन लाया गया कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया जाए। ये इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन था एक सोशल प्रॉब्लम का, और वो उसके लिए लोकपाल ले आया जाए, ओम्बड्समैन ले आया जाए, वॉच डॉग ले आया जाए, जो कि सुओ मोटो करप्शन का केसेस को दर्ज करे और उस पर लगाम रखे करप्शन पे। अब उसमें क्या हुआ कि वो जो है सरकार अलग अपना पॉलिसी के लिए लोकसभा में बैठी है, बिल ला करके अपना अल्टरनेटिव डिसाइड कर रही है, और यहाँ पे जनता जो है सिविल सोसाइटी के थ्रू, अन्ना हजारे मूवमेंट के थ्रू अपना खुद का जो है जन लोकपाल बना रही है। दैट वाज द बिग एग्जांपल ऑफ कि कैसे सोशल मूवमेंट पब्लिक पॉलिसी को अफेक्ट करता है, और उससे ऐसा इफेक्ट हुआ कि कांग्रेस को झुकना पड़ा और उनको जो है लोकपाल बिल पास कराना पड़ा और लोकपाल नियुक्त करना पड़ा। उसके आगे जो हुई वो एक अलग दर्दनाक कहानी है कि वो उस तरह से हो नहीं पाई, वो एक अलग ही रिसर्च का विषय है। इंटरेस्ट ग्रुप कैसे पब्लिक पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल अभी हाल में जो 3 कृषि कानून कैसे वापस लेने पड़े। आपने देखा कि जो इंटरेस्ट ग्रुप था, किसानों का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट ग्रुप है, वो किसान यूनियन, 50 किसान यूनियन ने अपना एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, उन्होंने धरना दिया सालों, 1 साल से ज्यादा वो दिल्ली के बॉर्डर को छेक के बैठे रहे, तमाम मुसीबतें उन्होंने सही, अलग अलग तरीके के उन्होंने दिक्कतें भी पैदा की सरकार के लिए, दिक्कतें खाई भी, लाठी भी खाई और लाठी मारा भी, और इस तरह से उन्होंने एक ऐसा प्रेशर बनाया, इतना ज्यादा प्रेशर मीडिया के थ्रू और पब्लिक डिस्कोर्स में कि सरकार को झुकना पड़ा और 3 कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कैसे इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो अफेक्ट करती है, सोशल मूवमेंट कैसे अफेक्ट करती है। सो अब क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरेस्ट ग्रुप? तो इंटरेस्ट ग्रुप जो है आपको पता है कि वो डिफरेंट प्रोफेशनल या डिफरेंट जो सोसाइटी में जो काम करने वाले लोग होते हैं या डिफरेंट सेक्टर, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक एसोसिएशन या ग्रुप बन जाती है, इंटरेस्ट ग्रुप है, जैसे किसानों ग्रुप है, डॉक्टर्स का ग्रुप है, लॉयर ग्रुप है, बिजनेसमैन का ग्रुप है एंड ऑल। हाउ डू दे इन्फ्लुएंस पॉलिसी फॉर्मुलेशन? अभी मैंने आपको पूरा एग्जाम्पल दिया, आप उसको कह सकते हैं एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। सोशल मूवमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मैंने बताया अभी आपको कैसे अन्ना हजारे मूवमेंट ने जो है वो लोकपाल के पॉलिसी को अफेक्ट किया। इलाबोरेट विद सुटेबल एग्जाम्पल। 2020 व्हाट इज सोशल मूवमेंट? सोशल मूवमेंट वही है जबकि किसी एक इशू को लेके जनता सड़क पे निकल आती है और वो उसके लिए एक तरह से बहुत ही विगरस वे में जो है वो आंदोलन करने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है, घेराव करने लगती है, सिट डाउन करने लगती है, पेपर में पेम्पलेट निकालने लगती है, जुलूस निकालती है, तो उसको सोशल मूवमेंट कहते हैं। बहुत सस्टेन यदि हो जाए तो बहुत बड़ा सोशल मूवमेंट हो सकता है। डिस्कस द रोल ऑफ सोशल मूवमेंट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आप देख सकते हैं कि लोकपाल में क्या हुआ, और कई किसान आंदोलन को भी सोशल मूवमेंट आप समझ सकते हैं। राइट एन एसे ऑन गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी इंटरफेस इन पॉलिसी मेकिंग। ये तो लोकपाल का जो केस स्टडी है वो यही है कि कैसे गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी मिलते हैं। सिविल सोसाइटी किसको कहते हैं? जो सरकार में नहीं है, जो मार्केट में नहीं है, मतलब जो शेयर मार्केट, बिजनेस एंड अदर से इंडस्ट्री से दूर हैं, जो नॉन गवर्नमेंट हैं, तो एनजीओज हो गए, आप जितने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ओपिनियन लीडर हैं, मीडिया हैं, ये सब मिलकर के जो है वो बेसिकली सिविल सोसाइटी बनाते हैं, वो स्पेस जो कि पॉलिटिक्स से दूर है लेकिन पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है। तो आपने इसमें देखा होगा जन लोकपाल में कि गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी मिलकर के एक ज्वाइंट कमिटी बनाते हैं कि चलो तुम्हारे 4 मेंबर रहेंगे, हमारे 4 मेंबर रहेंगे, और मिलकर लोकपाल का बिल को बनाते हैं। दैट वाज नथिंग बट पॉलिसी ऑन लोकपाल। तो ये इंटरफेस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसको लिख सकते हैं। अब फाइनली देखें कि आइडियोलॉजी और पॉलिसी कैसे टकराता है, क्योंकि पॉलिसी आइडियोलॉजी से ही गाइडेड होता है। जब आप प्रॉब्लम को देखते हैं तो आप यदि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के चश्मा पहने हैं तो आपको प्रॉब्लम दिखेगा ही नहीं। जैसे यदि आपने लिबरल चश्मा पहन रखा है, लिबरल स्टेट का, तो आपको जो है लेबर की प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, आपको मार्केट की प्रॉब्लम दिखेगी, बिजनेसमैन की प्रॉब्लम दिखेगी। उल्टा होगा यदि आपने मार्क्सिस्ट चश्मा पहना है तो आपको लेबर की प्रॉब्लम दिखेगी लेकिन बिजनेसेस की जो प्रॉब्लम है वो नहीं दिखेगी।
इट इज लाइक दैट। यदि आपने वेलफेयरिस्ट चश्मा पहन रखा है तो आपको जो है हमेशा ये दिखेगा कि कौन सा ऐसा पॉलिसी बनाए जिससे कि पीपुल का जनरल वेलबींग बढ़ जाए, कौन सा सब्सिडी दे दें, कौन सा फ्री अनाज दे दें, फ्री मकान दे दें, और उसके लिए कैसे हम रिसोर्सेज जुटाएं, उससे महंगाई जो बढ़ेगी उसको कैसे काबू करें, आपको वो सब प्रॉब्लम नजर आने लगेगी। अब इसमें देखिए 2021 में क्वेश्चन है, ट्रेस द आइडियोलॉजिकल चेंजेस इन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इंडिया फ्रॉम नेहरूवियन विजन टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो ये एक इतना घिसा पिटा क्वेश्चन है कि कैसे नेहरूवियन विजन जो है वो पूरा चेंज हो गया 1991 में, हमने बाजार की पॉलिसी को अपना लिया, नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन के पॉलिसी को अपना लिया जो वॉशिंगटन कंसेंसस से आई थी, एक तरह का हम उसमें शामिल हो गए उस बैंड वैगन में, और वो कैसे हमारा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुआ। हमारा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट केवल पब्लिक पॉलिसी या पॉलिटिकल इकोनॉमी में नहीं हुआ, हमारा पॉलिटिकल फॉरेन अफेयर में भी हुआ। कैसे हम जो है सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधारा से जो 50s, 60s, 70s में चलती थी, जहां हम सोवियत रूस के एकदम करीब नजर आते थे, कैसे हम हट करके जो है अमेरिका के करीब नजर आने लगे, उसी से हमारा जो है पब्लिक पॉलिसी अफेक्टेड हुआ। सेकेंड है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑन पब्लिक पॉलिसी। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन या नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन की जो आंधी थी उसने सभी सेक्टर को या गवर्नमेंट के हर डिसीजन मेकिंग को प्रभावित किया, और उसमें पब्लिक पॉलिसी भी एक थी। हमारी पब्लिक पॉलिसी का पूरा नजरिया ही बदल गया। अब हम मार्केट के बारे में ज्यादा सोचने लगे, हम कॉरपोरेट सेक्टर को कैसे फायदा हो, जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, इससे बहुत नुकसान भी हुआ। उससे जनरल जो है जो खाई थी अमीर गरीब के बीच में, कई लोग कहते हैं कि वो बढ़ी भी है, और लोगों में थोड़ी डिससेटिस्फैक्शन भी हुई है, समाज में आई है मटेरियल प्रोग्रेस, लेकिन उसी अनुपात में लोगों में जो 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 कुंठा होती है वो भी जो है ज्यादा हुई है। तो उसका प्रोस एंड कॉन्स है। एनालाइज द चेंजेज एंड चैलेंजेज ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी सिंस 1991। तो इसको तो आप बिल्कुल ये सब इग्नू के मटेरियल में भी देख सकते हैं, कई जगह देख सकते हैं रीडिंग मटेरियल में, एक तरह का केस स्टडी है कि सॉरी लिबरलाइजेशन पॉलिसी है ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी, मतलब लिबरलाइजेशन पॉलिसी 1991 में जो आई उसके क्या क्या पैरामीटर्स थे, जैसे एलपीजी, और उसके क्या नतीजा हुए, कैसे इंप्लीमेंट किया गया। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी हाल में आई थी, तो आपको 2020 में क्वेश्चन पूछ दिया, विल ब्रिज द डिजिटल डिवाइड एज एक्सपोज्ड बाय द कोविड पैंडेमिक। ये एक लाइन है, मतलब आशा है। सजेस्ट वेज टू इंश्योर इट्स इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। अब आपको यहाँ पॉलिसी एनालिस्ट का काम करने कहा जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि आप सजेस्ट कीजिए कि इसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है। आसान नहीं है सब उस समय एग्जामिनेशन में बैठ के सोचना। 2020, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑन पब्लिक पॉलिसी, ये रिपीट है यहाँ पे। 2019 में है, क्रिटिकली एग्जामिन द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1920, ये रिपीट है इसका। एग्जामिन द आइडियोलॉजिकल शिफ्ट, ये रिपीट है इसका, इन पॉलिसी मेकिंग इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो आप समझ सकते हैं इन क्वेश्चन को पढ़ के कि आपको कहाँ पूछा जा रहा है, नेहरूवियन व्यू ऑन पब्लिक पॉलिसी कैसे शिफ्ट हो गई आइडियोलॉजिकली, आगे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बदल गई, और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी का क्या असर हुआ हमारे समाज पे क्रिटिकली, और कैसे जो लिबरलाइजेशन की पूरी आइडियोलॉजी जो थी नियो लिबरल आइडियोलॉजी, उसने पॉलिसी मेकिंग को कैसे अफेक्ट किया इंडिया में, ये और रिसेंट कोई पॉलिसी को आपको एनालाइज करने कहा सकता है। हो सकता है कि इस बार वैक्सीन पॉलिसी पे बात हो तो उसके बारे में पढ़ लीजिए, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो पूछ ही दिया गया है। ये मैंने ऐसे ही कुछ और जो क्वेश्चन थे आइडियोलॉजी एंड पब्लिक पॉलिसी, वो मैंने, मुझे बहुत सारे पुराने क्वेश्चन थे तो मैंने उसमें से कुछ दे दिया, आप देख लीजिए, जैसे कि रिजर्वेशन पॉलिसी पे, ये सब पे एक तरह का केस स्टडी है। वो पूछा है ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कैसे पब्लिक पॉलिसी का इफेक्ट किए हो, तो उसी का रिपीट है, ये तो उसी का रिपीट है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी 1991 से कैसे जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी उसकी रही है, और डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे पूछा गया है। तो अगेन मैं, मुझे लगता है शायद वैक्सीनेशन पॉलिसी पढ़ लीजिए, इम्यूनाइजेशन पॉलिसी भी पढ़ सकते हैं, हेल्थ पॉलिसी जो है वो भी। सो ओके डियर स्टूडेंट, ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, क्यों? क्योंकि मुझे बहुत चीज बताना था आपको, काफी क्वेरी थे। और यदि आप में से कोई यदि इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जो कि 1 मई से चल रही है, और आपको लगता होगा कि अब मैं क्यों ज्वाइन करूं, तो उसमें जितने क्वेश्चन पेपर है वो पीडीएफ फॉर्म में है, वो वहां अवेलेबल है। आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे पास्ट पेपर मिल जाएंगे, तो आपको कोई लॉस नहीं होता है, तो आप ज्वाइन कभी भी उसमें कर सकते हैं। ये पीजी एंट्रेंस टेस्ट के लिए बनाया गया है, एक मेंबर्स ग्रुप है जिसमें आपको हजारों हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस और एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी एंड मेनी अदर बेनिफिट देने की कोशिश की जाती है। यूजीसी नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यदि आप इंटरेस्टेड हो, ये पेड कोर्स है, तो आप नेम और टेलीग्राम मोबाइल नंबर जो है इस ईमेल पे दीजिए, इस तरह से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपके डाउट का मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूं जितना मुझे टाइम मिलता है। थैंक यू, बाय, सी यू अगेन।